लो सड़का दे टायर भज देना किथे आपा कट दे आ फेर चुके रब मुरे सिर साडे मुरे शहर 15 मिनट में आ रहा हूं गली के बाहर टंकी कपड़े डालियो क्लब चलेंगे भज देना किथे आपा कट दे आ फेर चुके रब मुरे सिर साडे मुरे शहर कुछ कह रहे थे पंडित जी तीन लोगों को बोला है सीन प्रिपेयर करने के लिए उनमें से चूज करेंगे नया लीड और उनमें वो इंग्लिश थिएटर वाला लड़का भी है तो गया भाई तेरा लीड रोल और वो अंग्रेजी थिएटर वाला लड़का जोक पे जोक मार रहा था और अंजलि खी 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 हंस रही थी तो गई भाई तेरी लड़की भी आज क्या बस उड़ी तू तो टाइम से पहले आने वाला था ये किसकी कार लेके आया है खिड़की एक्सटेंशन की पिंक की लग रही है ये क्या डाल के आई है देख भाई दो कश्तियों में एक साथ सवार होके तो कहीं नहीं पहुंचने वाला तो प्लान करके देख कि कब कैसे जॉब क्विट कर पाएगा तू तुझे वन फाइनेंस का असेसमेंट टेस्ट भेजा था मैंने तेरी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भरा तूने ओ भाई साहब क्या सरेंडर हो गया क्या आपका जीवन में कुछ बोलोगे आप चौहान भाई डर लगता है प्लान बनाने में क्योंकि मेरी किस्मत जो है ना भाई उसे भगवान ने शराब दी है तो ये रहा है भाई कि वो पिल रही है हर टाइम हर दिन कई सालों से और मैं चौहान भाई थक गया हूं भाई इतना लोड क्यों ले रहा है तू मुंबई शिफ्ट हो सके और आंटी का ट्रीटमेंट भी ना रुके बस इतना ही प्लान करना है ना कर लेंगे भाई तू टेस्ट है वो काम का टेस्ट है इसलिए बोल रहा हूं कोई फर्जी के में कोता बोलता तुझे तेरी फाइनेंशियल पर्सनैलिटी समझ आएगी उससे जो बाकी की प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार पंडित जी से भी लाके मिल 25 साल में नाटक की पहली बार एंडिंग चेंज हुई है और वो भी तब जब तू लीड बना है तो कुछ तो चल रहा होगा उनके दिमाग में हाँ बात करके देख समझेंगे वो तेरी सिचुएशन नोट मत ले यार नहीं तू और तू अच्छी नहीं लगी तो बोल भी नहीं सकता क्या बोलो प्रॉब्लम ना मेरे कपड़ों में नहीं है अच्छा तेरी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें देख के तू चाहते मैं इनकी जैसी लगूं सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न तू नहीं कर सकता एक्सपेक्ट फिर खुद भी लग ऐसा जैसे ये लड़के हैं हो जाऊंगी मैं फिर चेंज कैसे ये लड़के मुझे नहीं पता खुद ही देख ले दोस्त थोड़ा आराम से यार बात कर रहे हैं हम ए पागल है यार तू यार क्लब में आया अगला बात करने
बात करने दे यार, कंटिन्यू टॉकिंग, सॉरी यार अब से नहीं होगा, कंटिन्यू टॉकिंग। हां हां, साइलेंस में प्लीज। अबे कहां जान दे रहे हो, जिस कार में हम आए हैं यही कार थी जिसमें भाई और पापा उस रात को घर वापस आने वाले थे। तेरे पास कहां से आई? खरीद ली मैंने, मामा ने ग्रोवर अंकल को बेची थी, उनसे मैंने ले ली। कितने की? फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता जिम्मी, चलाने के लिए तो नहीं खरीदी ना? शीशा तूने तोड़ा है? ट्रेलर पिक्चर की वीडियो भेजूंगा तेरे को। जिम्मी देख, तुझे बहुत पैसे कमाने हैं, डीलर फेज वन में घर लेना है, 1 करोड़ की एसयूवी लेनी है, सब ठीक है यार, पर यार तू ये बदला लेने के चक्कर में ना तेरा बहुत नुकसान करवाएगा। और बदला किससे लेना है जिम्मी? तेरे मामा यार, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता तू क्या कर रहा है, वो बहुत बड़े हैं यार। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता नीतू, उस दल्ले ने जो किया है ना मेरे घर वालों के साथ, मेरे भाई के साथ, ये अमीर के बिजनेसमैन कम गुंडा ज्यादा है। गुंडा तो तेरा बंदा भी है, दोस्त मुझे भी उड़ानी है यार, पर मुझे खोलनी नहीं आती। मैं सिखा देता हूँ, सिखा भाई। एक्चुअली भाई क्या है ना, इंडिया में ना पीछे से खोलने वाली टेक्नोलॉजी नहीं आई। मत कर आज प्रशांत का एक परफॉर्मेंस होगा, एक्टिंग परफॉर्मेंस, और लाइन्स लिखे हैं मैंने। तो याद कर लिए तो शुरू करें। लीड एक्टर प्रशांत। दुनिया में हा हा हा, क्लाइंट्स को हा हा हा, धोखा कभी हो जाता है, पर जिसको क्लाइंट दो, सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे?
क्यों? अरे आप तो रेप्यूटेड थिएटर कंपनी के बड़े इवेंट में कुछ बड़ा रोल करने वाले थे, सॉरी है, ये तो कुछ भी नहीं है, बस 5-6 लाइन ही तो है। सर लगता है स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी, रिजेक्ट कर दी। अच्छा चल कोई नहीं, मैं ही पढ़ लेता हूं। दुनिया में क्लाइंट्स को धोखा कभी हो जाता है। सर ये कॉपीड है, इसके आगे एकदम ओरिजिनल है। दुनिया में क्लाइंट्स को धोखा कभी हो जाता है, पर जिसको क्लाइंट ही धोखा दे दी वो सेल्समैन चमन चुका कहलाता है, टॉप का चुका कहलाता है, प्रशांत नरूला कहलाता है। Now, do you want to add anything about yesterday's cup? Sir, as I said earlier, I made a mistake and I'm sorry for that. Sir, aapke cabin mein body. Sir, dead body hai, sir. Sir, dead body hai, sir, chalo. क्या करना सर? सांस चेक करनी थी भाई। अरे सर सांस आ रहा है, डेड नहीं है। तो उठा ले भाई। ओ भाई उठ, ओ भाई उठ जा भाई। वे उड़ गए। पानी दियो। है कौन तू भाई? पानी। तू पानी है? तू पानी मांग रहा हूँ, पानी दे। इसी कम कराओ तो ठंड में रख लिया। मेरी ज्वाइनिंग आज ऑफिस में राम लगाया बैठ मजा ही नहीं। शुशुर है वैसे, मीटिंग है मेरी। राजकुमार मैं था। हम जानते हैं क्या एक दूसरे को? नहीं, मैं हूं शुशुर तेरा बॉस। You're fired. जमाने की माँ की ना सुनता किसी की, बना भाई तेरा भागी। छोटी है बहुत दिन लोगों की सोच यहाँ आदि है आबादी। किसी मैंने खुद से है पूरी करी ख्वाहिशें, बना फिर खुद का ला दिन। हौसले पर्वत के भादी जब पड़ा अकेला तो सपने थे साथी। तू खोटा ज्ञान रख खुद का पावे बचना बंद कर। मैं मुझको क्या तू लंदन जाया बस तू किसके पर ना करना 9 to 5 बस चल रहा ख्वाहिशों से दंगल। मैं बोलू तू जमाने पे बस रहता आउट ऑफ संपर्क। तो सब बच्चे अपना ड्रीम शेयर कर रहे हैं हर रोज किसी के साथ? यस सर। गुड। कौन कौन कर रहा है? बस इतने? बाकी क्यों नहीं कर रहे यार? सर मैंने अपने पापा को बताया था मैं बड़े होके इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनूंगा, पर मुझे पापा ने डांट दिया। क्या कहा पापा ने? पापा ने मुझे बोला कि लैक्स एंड करोड़ में लोग ट्राई करते हैं पर उसमें से सिर्फ एक ही कैप्टन बनता है, बाकी सब भूखे मर जाते हैं। हाँ अच्छा, हैरी पॉटर देखी है सबने? यस सर।
देखी है ना, उसमें डिमेंटर्स देखे होंगे, तम पिशाच, क्या करते थे वो? सर, वो सोल खा जाते थे। करेक्ट, सोल खा जाते थे। सोल खा जाते थे मतलब तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी होप्स, ऑल योर गुड मेमोरीज, ये सब खा जाते थे। और उनसे बचने के लिए होता था वेरी गुड। आपको पता है हमारे आसपास भी एक तरह के तम पिशाच घूमते हैं, इन्हें कहते हैं ड्रीम पिशाच। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ड्रीम पिशाच आपको ड्रीमलेस बना देते हैं। ड्रीमलेस कैसे? आपकी सारी एक्साइटमेंट खा जाते हैं, आपका सारा ऑप्टिमिज्म खा जाते हैं, आपका सारा करेज। और ये सब खा लिया तो बचा क्या? डरे, डल, डरपोक, ड्रीमलेस तुम, जो भी तुम्हें बोला जाए वो चुपचाप करने वाले तुम। किसी ने देखा है इन ड्रीम पिशाच को? किसी ने देखा है इन ड्रीम पिशाच को? देखा है लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि वो खुद सामने नहीं आते, वो आते हैं तुम्हारे पापा के अंदर घुस के, कभी मम्मी, कभी फ्रेंड्स, कभी रिलेटिव्स के अंदर घुस के, और कई बार तो डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग पर अटैक। पर चिंता की कोई बात नहीं, दिन है अभी रात नहीं, बिल्कुल पेट्रोनस चाम जैसा मेरे पास भी एक चाम है इन पिशाचों को भगाने के लिए। ये चाम जो माउंट किलिमंजारो की चोटी पे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बाबा ने 150 इयर्स मेडिटेट करके खुद भगवान से लिया, और उनसे मैंने, और वो चाम अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो अब जब भी ये ड्रीम पिशाच तुम्हारे पापा या दोस्त या तुम्हारे अंदर घुस के अटैक करने लगे और तुम्हें अपने ड्रीम पर खुद डाउट होने लगे, तो सबसे पहले इस ड्रीम की अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ और जोर से बोलो उस ड्रीम पिशाच को, झुगली झुगली झुलझुला, झुगली झुगली झुस। बोलो मेरे पीछे, बोलो झुगली झुगली झुलझुला, झुगली झुगली झुस। अब मेरे साथ बोलो झुगली झुगली झुलझुला, झुगली झुगली झुलझुला, झुगली झुगली झुस, 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 झुगली झुगली झुलझुला, झुगली झुगली झुस। मैडम लगता है कुछ आदिवासी कबीले टाइप का सॉन्ग गवा रहे हैं म्यूजिक वाले सर।
कविता। यस सर। ऑफर लेटर टर्मिनेट करो इस चुका और बाहर निकालो इसे। ओके सर। अच्छा रोवर को ऑफिस बुला। सही है सही है। नमस्ते कुकरेज जी। क्या बोला मैंने जी? वो ईयरफोन लगा रहा। कितने मारू जी? सुना नहीं ना तूने? तो तेरे मुंह पर कितने जूत मारू? दो मार लीजिए। अच्छा सेफ साइड चार मार लीजिए। रोवर को फोन लगा, बोल कुकरेजा जी बुला रहे हैं ऑफिस में। ठीक है जी, पहले फोन लगाऊं या आप मारेंगे? देखो पूछ क्या चीजें अंदर लेने में बहुत मजा आता है ना तुझे, तो एक में लिया कर, दूसरे को ना खाली रखा कर बातें सुनने के लिए। ठीक है, रोहित को फोन लगा और ऑफिस बुला। सर क्या आइटम था ये, मतलब आपने हायर भी कैसे कर दिया? प्रशांत का रिप्लेसमेंट था ये। अभी ऑफिस में किसी को बताया होगा? हाँ। कोई और ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप प्रशांत को निकाल रहे हो? ओ मां क्या कर रहा है ऐसा मुझे लगता है कि जानबूझकर हाई कमीशन वाली डील्स करता ही नहीं। जानबूझकर पर क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि एथिक्स के चौके होता है ना कुछ। अब हाई कमीशन वाली डील्स मतलब थोड़ा इधर उधर होता है लीगली प्रॉपर्टी पे, तो वो बेचता ही नहीं। एक तो कमीशन पे हग रहा है मेरा और दूसरे बातें क्या चौका है। सर लीड एक्टर हूँ मैं अपनी प्ले का, आप मुझे जल्दी फ्री कर दिया करो। पैरों पर गिरता है जब करता हूँ पिशा पर हवाबाजी मेरी बेहिसाब। शिशिर शेटा आने की और लाइटर तेरा मो चेरी गोल्ड और यथार्थ सेल्समैन अड़ियाल मान ചേട്ടാ മലയാളം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഷയാണ്, മലയാളം അടക്കം എനിക്ക് പതിനൂണ ഭാഷകൾ അറിയാം. ഇത് നിന്നിലൂടെ കമ്പനിക്ക് പ്രയോജനമാകും. വേസെ ഊപ്പർ മേനെ ഇംഗ്ലീഷ് മേ ബതായ താ അബ് മലയാളം മേ ബോൽതാ ഹും. നിന്നെ പുറത്താക്കി ഹും. സഹി ഹൈ സബ് സേ ലോഗ് ഛോട്ടെ ഗോൾ പീതെ ഹൈ പർ സബ് ഛോട്ടെ ഗോൾ പീനെ വാലാ सीलू नहीं होते। लाइटर प्लीज। सड़ा बात पूरी सुने बिना चले ना जाओ, इसलिए तो रखा लाइटर। सही पकड़ा आपने, मैं सेलू नहीं हूँ, पर बड़े होकर मैं बेचूंगा। मेरे घर वाले, रिश्तेदार, स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर सबको पता था कि जब बचपन में बच्चे लगा रहे होते थे बेचे, एक बच्चा वो पतंग लूट के जिसकी कटी उसी को बेचे। छठा बच्चा था मैं, स्कूल के बाद बीबीएमबी का ऑप्शन था, पर कहते हैं बेचना और ठुकाई दोनों करने से ही आई, फिर बाहर में जा पढ़ाई। मैंने एक टेली मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी। हेलो, क्या मेरी बात शिशिर जी से हो रही है? कट, फोन कट। चटा दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे जलील करने वाली सेलिंग।
कई बार हर मिनट 3 से 4 रिजेक्शन, पर मैंने करी क्यों? मुझे पता था अगर बिना किसी के सामने खड़े हुए चिटा, बिना उसके इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट तो छोड़ो जो एक टेलीमार्केटर के लिए एक इरिटेशन होती है, डिस्पाइट दैट मैंने बस इतना कर लिया कि ये मेरा फोन ना काटे, मेरी बात सुन ले, फिर टाइम के साथ मेरी बात में इंटरेस्ट दिखाने लगे, फिर टाइम के साथ जो मैं बेचना चाह रहा हूँ खरीद ले। चेटा मैं एक सेलू नहीं हूँ, आई विल बी द गॉड ऑफ सेलूज, एंड नाउ आई एम द सेल्स गॉड। सुन बे हीरो, शाहरुख खान जैसे रोमांटिक बातें भी कर लो ना, बच्चे पैदा नहीं होते। यू स्टिल नीड टू नो हाउ टू, चला जा टेस्ट लेते हैं गॉड ऑफ सेल्स का। मैंने रात में सोते सोते ध्यान में आया कि 455 और सेक्टर 7 या तो अपने कुकरेजा जी की कंस्ट्रक्शन साइट है। मैंने आधी रात ने फोन लगा दिया ऑडिटर दौरे, नाम सुनते जी पंखे पाट के उसके, जब भाई आधी रात ने 10,000 पट्टी विद रिगार्ड्स दे गया है जी, और वो जो टिक्की बिंदी लाने का क्यों आगरा लेडीज का, हाँ ड्रेसिंग टेबल कर दो, उठवाया टेम्पो में लदवाया, अर्जी आपकी लॉबी में प्लेस्ड है। असल में तो जी 8 दे गया था, 2 की तो दारू पी गया। ये शराबी आदमी रिलेशन मेंटेन करना नहीं जानते जी, मैंने तो 2,000 अपनी जेब तक मिला दिए इसमें। तो वापस ले ले जी, ले ले वापस जी। प्रेजा जी महान सिंह, वो रमेश आता है ना झाड़ू पोछा करने वाला, महीने के कितने पैसे लेते हैं? 2,000 मना कर दे उसको, कल से आएगा नहीं। जिसने मेरे पैसे लिए ना उसको भेज दियो, बोलिए कुकरेजा जी ने रमेश को छुट्टी दे दी है, 1 महीना झाड़ू पोछा करके जाएगा यहाँ, ठीक है? जैसा कुकरेजा जी गए हमने क्यों रखने हैं जी आपके 2,000? ये रहे सर विद रिगार्ड्स आपके हैं रतन डीलर, आपकी सेवा में जी। ठीक है सर, ये भी सही है जी, है जी। ग्रोवर जी, ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ ਨੇ? ਰਜਾ ਜੀ ਉਹ ਡੇਟ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਸੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰੀਨਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਟੂ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਰ ਜੀ ਘਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬੰਟੂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਮੇਰੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ, ਬੰਟੂ ਕੋ ਫੋਨ ਲਗਾ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਸਕੀ? ਜਿੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਲਾਈਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ? निखिल बैकग्राउंड है डील का। मिस्टर हर्षमीत अ प्रीमियम प्रॉस्पेक्ट, इन्होंने एक प्रॉपर्टी पसंद की है रॉयल पाम्स गुड़गांव में, वर्थ अ वॉपिंग 25 crore। ऑन एंड ऑफ हमारी बातचीत हो रही है फॉर 2 मंथ्स नाउ।
पर वो डील को सील नहीं कर रहे और वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं बता रहे। मैंने सर को कह दिया था, याद है, अंकल जी विंडो शॉपिंग कर रहे, बजट है नहीं, बट अपॉन सर्स रिक्वेस्ट वी हैव वन फाइनल कॉल विथ हिम दिस आफ्टरनून 11 बजे। लास्ट कॉल की कोई रिकॉर्डिंग है तेरे पास? वी आर अ ट्रांसपेरेंट कंपनी, हर कॉल की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, आ जा भाई, सुना दे एक बार। हेलो हर्षमीत सर, हाउ यू डूइंग? हेलो निखिल बेटा, सब बढ़िया, तुझे सुनाओ? आई एम गुड टू सर। सर आई कॉल टू आस्क, सो द प्रॉपर्टी एट रॉयल चेंबर्स, यू एंड योर फैमिली हैव लाइक्ड इट आई बिलीव? हां करता बढ़िया सी। तो सर इफ बढ़िया सी एंड इट्स इन योर बजट, लेट्स लॉक इट। It is a high demand unit, sir, and I'm afraid if we don't act promptly, we might lose it. It would really be a pity if you'd lose such a good property at such a good price. You don't want. भाई बची हुई है। पर मैं और नहीं सुन सकता भाई। भाई जिस रूम में तू सांस छोड़ रहा है ना, उस रूम में मैं सांस ले रहा हूँ। यही सोच के मेरी सेल्स स्किल्स कमजोर होती हुई फील हो रही है भाई मेरे को। Hey! Don't fucking waste my time. Get to the point. Sure, चलता। Take notes. मेरे मनिंदर भैया एक बात कहते थे, कहते थे धंधा उहदे नाल बंद जिहड़ा बंदा नहीं पसंद ते उत्ते उहदा धंधा जिहड़ा बंदा लगे चंगा। तू अंकल से अंग्रेजी में क्यों बात कर रहा था? Because bravo, we are a premium real estate company. And we sell premium properties to premium clients who expect that they are talking to well-spoken, well-groomed individuals. ये बात तुझे हर्षमित अंकल ने बोली? नहीं बोली होगी। तो भाई सिगरेट का धुआं गले के अंदर और बातें गले के बाहर, दोनों गले का कैंसर करती हैं, दोनों कम करनी चाहिए। अंकल खुद तुझसे पंजाबी में बात कर रहे हैं। अब तू अगर अंकल से पंजाबी में, कच्ची पक्की पंजाबी में दो चार बातें कर लेता, तुझे पता अंकल को कितना अच्छा लगता और फिर तू कितना अच्छा लगता। फिर अंकल तेरे को दिल खोल के बताते उनके मन में क्या चल रहा है। 100 साल पहले लगा था नारा, साइमन आज भी गो बैक नहीं हो पा रहा। तेरी अगली बेसिक मिस्टेक। नोट्स ले रहे ना सर? सर 11 बज गए, इट्स टाइम फॉर द कॉल, कैन वी प्लीज गेट ऑन विद इट? नो वन हैज टाइम फॉर बेसलेस सेल्स हैक्स बाय सतिंदर भैया। मनिंदर भैया? हाँ, जो भी है। या लेट्स डू द कॉल। और निखिल एक काम करो, लेट हिम प्रिटेंड टू बी योर बॉस। दिखा भाई प्रैक्टिकल। इसकी अगली बेसिक मिस्टेक, ये बेच रहा है। तू बेच मत, तू उसे खरीदने दे। 25 करोड़ का घर ले रहा है कोई, उसे लगना चाहिए ना वो खुद अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहा है, ना कि कोई 25 साल का लौंडा जिसकी 25 साल की सैलरी भी 25 करोड़ नहीं है वो उसके लिए डिसाइड कर रहा है। हेलो बेटा। हेलो हर्षमीत जी, कैसे हो तुसी? आई मीन सर हाउ आर यू? मैं बढ़िया बेटे। एक्चुअली मैं जरा थोड़ा पेपर वर्क कर रहा था, घर फाइनल कर लिया ना मैं। ओके सर, कैन आई आस्क व्हाई डिड वी नॉट गो विद द रॉयल चेंबर्स फ्लैट? वाज इट बिकॉज इट वाज टू एक्सपेंसिव? नहीं नहीं बेटे, एक्चुअली दिस वन इज मोर एक्सपेंसिव। हेलो, सत श्री अकाल हर्षमीत जी। जी मैं निखिल दास सीनियर बात कर रहा हूँ। सर मैं सुनिया तुसी घर फाइनल किया, बहुत बहुत मुबारक हो सर, ते रब मेहर करे थोड़े घर ते। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हर्षमीत जी एक गल पूछनी सी। सर असी की कर सकते हाँ फ्यूचर इच कि ये जिहड़ी तुसी घर लेता है तुसी साडे कोलो लैंदे? बस फीडबैक लई पूछ रहे हैं जी। बेटा स्पीकर ते नहीं हो तुसी? स्पीकर ते नहीं जी, स्पीकर पे तां नहीं हां। दसो तुसी। ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਕਦੀ ਟਰੱਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਬਗੈਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫੀਡਬੈਕ,
अच्छा एक एडवाइस दवा जी जी मेरा एक दोस्त है बरिंदर चावला चावला कहंदा सी उत्ते ओदा धंधा जड़ा बंदा लगे चंगा ते धंधा ओदे नाल बंद जड़ा बंदा नहीं पसंद सही गल है जी चंगा बे ठीक है यू टू जी छोड़ता वीर ले लो भाई फोटो फोटो ले लो खिले भाई तेरे में पर पहले एक महीना मैं तुझे ट्राई करके देखूंगा क्योंकि जिस तरह की तेरी ये हरकतें हैं ना और ये तेरे गैंगस्टर टैटूस तू एक कॉर्पोरेट सेटअप में काम कर पाएगा कि नहीं मुझे डाउट है सर बुलाया आपने राजकुमार ये प्रशांत है One of our most committed salesmen. Shadow करोगे तुम इसे कुछ टाइम मेरे छोटे भाई का नाम भी प्रशांत था था मतलब अभी चेंज कर लिया नहीं भाई नाम वही है अब भाई नहीं है सॉरी फॉर योर लॉस तो प्रशांत टेक राजकुमार टू ऑल ऑफ योर मीटिंग्स आज वो अरिहंत सोसाइटी वाली मीटिंग है उसमें भी ले जाओ He'll understand the company's processes. Jee sir. Our lead actor Prashant, aaj wali deal super important. Client ke paas paise hai aur intent bhi. So go get him. Yeah? Aur phir milte hain shaam ko office mein. 7 baje. लीड एक्टर प्रशांत क्या वक्त है भाई कुछ नहीं है एक्टर हूं मैं बकरी बनाना शरीर की आदत है एक्टर मतलब सीरियस एक्टर जैसे आयुष्मान खुराना कार्तिक आर्यन इनके जैसा सीरियस उतना ही हूं बस अभी उतना बड़ा नहीं है जो प्लान है उतना बड़ा बनने का ना बड़ा नहीं उससे भी बड़ा टू बी द बेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम सही है दोस्त फिर तो एक चीज में तू और मैं एक जैसे हैं किस चीज में कि भाई हमें जो चाहिए हमें बस चाहिए नहीं हमें बहुत सारा चाहिए और मेरी तरह तू ही चौड़े में बोलता है तुझे क्या चाहिए पैसा पर अंधा अश्लील पैसा बेहिसाब बेशुमार इसको बाहर पैसे कुछ प्लान है या बस हवा में मास्टर प्लान है दोस्त और जो भी है ना तेरे ये घरों की दलाली करते करते द बेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम बनने वाले प्लान से तो बेटर ही होगा नहीं किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाते भाई बद्दुआ लग जाती है उन्हें बद्दुआ नहीं लगती दोस्त जिन्हें पहले से शराब लगे दस मिनट का काम है रास्ते में वो करके चलते हैं मुझे ऐसी तेरी मर्जी दोस्त शो से दो दिन पहले आप थिएटर छोड़ के चले गए थे मुंबई फिल्म करने तब मुझे कहा गया था कि इसके बाद आपको सत्यान्वेषी में ना आने दिया जाए पर मैंने आपको वापस लिया
मुख्य भूमिका भी दी, क्योंकि मुझे 2 साल पहले वाला वो प्रशांत याद था जिसका सपना था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनना, और आज आपको देखता हूं तो चीजें अलग हैं। आज के प्रशांत की प्राथमिकता उसकी माताजी हैं, इसलिए उसकी नौकरी, जो कि सही भी है, पर प्रशांत जी ये पुराना सपना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनने का सपना, छोड़ना पड़ेगा। क्या हाल अंकल के? जी भाई, क्लेश हो गया भाई, तेरे मामा को पता चल गया, कल वाले डील में तू साथ में था। अब तेरा मामा बोल रहा कि मेरे घर में फर्नीचर रख के मेरी क्लाइंट को बेच दिया, वो पैसे मेरे हैं, वापस करने पड़ेंगे भाई। कौन से पैसे अंकल? पैसे तो मैंने आपको दे दिए ना। जिमी, फिर वो गाड़ी वापस कर दे मेरी, मैं गाड़ी बेच के तेरे मामा को पैसे दे दूंगा। जिमी भाई, या फिर तू 5 लाख का जुगाड़ करके मामा को दे देना। हेलो, बताना भाई क्या करना है? करना क्या है? तो ऐसे करते हैं अंकल, एक मैसेज लिख के भेज रहा हूँ, मामा को बढ़वा देना। मैं चलता हूँ। मैं रात को सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती, कई बार दिमाग में घूमता रहता है सारा दिन जो हुआ। आज ऑफिस में किसने कितनी बार माफ कीजिएगा बोला, और कल फिर किस बात पे बेइज्जती करेंगे। आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर लूं? आज ऑफिस की भसड़ में मम्मी से बात नहीं कर पाया, अभी जाके कर लूं? अभी तो सो गई होंगी, तो सुबह कर लूंगा। सुबह करने गया तो कहीं मेंटल टॉर्चर होता है पंडित जी। तब बस एक चीज सोच के नींद आ जाती है, ये नाटक। बस ये एक टाइम होता है पूरे दिन में जो सोच के लगता है कि अभी उम्मीद है और इसके साथ रहूंगा तो टाइम के साथ पहुंच जाऊंगा जो सपना है वहां। बस एक लास्ट चांस पंडित जी, प्लीज। मैंने 3 लोगों को एक एकालाप तैयार करने को बोला है, अब प्रशांत जी देखना, ये समर्थ बहुत अच्छा करेगा ऐसा मुझे लगता है, शायद तुमसे भी अच्छा। और अगर कोई तुमसे भी अधिक प्रतिभावान है तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन फेयर है तो ठीक है, फिर करो तुम भी उनके साथ शाम को, फिर देखते हैं किसका सबसे अच्छा होता है, कौन मुख्य भूमिका करेगा, तब ये फैसला करेंगे। धन्यवाद पंडित जी। नहीं नहीं, वो सब एक बात बता, ये 20-20 करोड़ के फ्लैट बेचने वाला तेरा बॉस, इस फ्लैट का रेट है 3 करोड़, इसको बेचने के लिए इतना परेशान क्यों रहे हो? सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता तो क्या कमीशन ज्यादा होगा?
लो सेलिंग सोसाइटी है तो एक दो जगह की जगह 4-5% फिर भी कितना ही हुआ। लो सेलिंग प्रॉपर्टी लग रही है तेरे को और पेपर पे कमीशन 2% ही है। ओ बेटे की जान, हाई सेलिंग प्रॉपर्टी पर कमीशन फिर भी यार, मतलब प्रॉपर्टी में झोल झाला भाई, और ऑन पेपर 2% तो बाकी तेरा और शिशिर के आंटे में। 14 महीने की नौकरी में 1 रुपया भी झूठ बोल के नहीं कमाया और ना कमाऊंगा भाई। सच बताओ और ना बताओ ना, वो भी झूठ बोलने के बराबर ही है। इसे बताएगा तुझे लगता है प्रॉपर्टी में झोल है। हेलो चले सर देखने। एक मिनट प्रशांत, फ्लैट कैसे दिखता है वो तो हम कभी भी देख सकते हैं। उससे पहले मैं पूछना चाह रहा था कि इज दिस प्रॉपर्टी लीगली ओके? लीगली ओके एज इन? देखो यार, मैं 2-4 महीनों से फ्लैट ढूंढ रहा हूँ तो मेरा फोन नंबर प्रॉपर्टी डीलर नेटवर्क में फ्लोट हो चुका है। कल रैंडमली एक डीलर का फोन आ गया, मैंने भी उसे ऑप्शंस पूछ लिए, सारे ऑप्शंस दिखाए बट मेरे बजट के बाहर थे। उसके बाद उसने मुझे एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया जो बजट में ठीक लगी, और उसने साफ साफ बता दिया कि उस प्रॉपर्टी के पेपर्स में कुछ इश्यूज हैं विच ही विल ट्राई एंड लीगली सॉर्ट आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग। जो फ्लैट हम देखने आए हैं? एब्सोल्युटली ये वाला फ्लैट। बट एनीवे, अगर तुम्हारी कंपनी मुझे सर्टिफाई करके देती है कि दिस फ्लैट इज लेजिट फॉर सेल, अभी कभी जाकर देख सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पता करके बताता हूँ अगर ऐसा कोई इशू है तो। तब तक चल के और फ्लैट देख लें। नहीं दोस्त, आई विल वेट फॉर योर रिवर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लैट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पोजिशन। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर। आई सी यू लेटर। थैंक यू। थैंक्स। बोल रहा है 14 महीने की नौकरी में तूने आज तक किसी क्लाइंट को झूठ नहीं बोला, आज बोलना पड़ सकता था, पर आज क्लाइंट को उसी रैंडम डीलर का कॉल आ गया। हाँ भाई, हो जाता है ऐसा कई बार। कई बार क्लाइंट को प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती, कई बार कुछ और रीजन, जैसे आज हुआ, भगवान ने साथ दे दिया बस। भगवान ने साथ दिया। एंड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देयरफॉर प्रशांत हेल्प्ड हिमसेल्फ, देयरफॉर क्लाइंट को रैंडम डीलर का कॉल रैंडमली नहीं आया, तूने करवाया। और जिस सवाल पे बवाल है वो ये है कि तूने कॉल करवाया क्यों? भाई 1.5 साल पहले मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ था। डॉक्टर ने बोला इमीडिएट ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं मुंबई में था, कॉस्ट्यूम ट्रायल चल रहे थे मेरे, मेरी लाइफ की पहली फिल्म के, और मेन हीरो मैं था। ये कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, इनकी तरह। ऑपरेशन का खर्चा 10-12 लाख था, लेकिन दिक्कत नहीं थी क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस था मम्मी का, ऐसा पापा को लगता था। क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल सा मेडिकल इंश्योरेंस है, ना कि क्रिटिकल इलनेस वाला, जो एजेंट ने बोल के मेरे पापा को बेचा था। भाई फिर जो हुआ क्या बताऊं, मैं वापस आ गया, आना पड़ा। मूवी नहीं कर पाया मैं, अब जॉब करता हूँ,
ताकि मम्मी के ट्रीटमेंट का हर मंथ का खर्चा निकल सके। और तू जानता है उस एजेंट का कितने का फायदा हुआ? 15,000। 15,000। किसी की छोटी सी बेईमानी दूसरे की लाइफ की क्या वाट लगा सकती है, हम नहीं सोचते, कोई नहीं सोचता। देख, क्लाइंट को फोन कहां से आया मुझे नहीं पता, लेकिन इसे एक डील से इस बात की गारंटी है कि किसी की लाइफ खराब होने का चांस 0 है। मेरे पापा बिल्कुल तेरे जैसे आशावादी, सच्चे और इसलिए बर्बाद। भाई एक आदमी ना जंगल में गया, ना बंदूक ना तैयारी, भालू से खा गया। भाई भालू है गंदा या गांव है बंदा? भाई सोसाइटी और जंगल में फर्क है ना। जंगल में जानवर मजबूर है, यहां से हम मजबूर नहीं है। हमारे पास चॉइस है हमेशा गलत ना करने की। नहीं है भाई, चॉइस बस है कि भालू बन के खा जाओ या खरगोश बन के खा जाओ। बस वहां खरगोश को भालू खा गया, यहां भले आदमी को हरामी। भाई ये बिल्डिंग, मॉल, पक्की सड़कें, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, कोट पैंट, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, ये सब देख के पागल मत बनो मेरी जान। जंगल है अभी भी। यहां था एक सच्चा आदमी, अच्छा आदमी, बची थी जिसमें शराफत थोड़ी, फिर डरा के उसको, दबा के उसको, बना के उसकी घोड़ी, चढ़ गई दुनिया बहन की। समझ रहा है प्रिंस मेरी जान? ये प्रिंस कौन है? मैंने प्रिंस बोला क्या? पर मेजर साहब, साला आया कहां से एटर? एक बात बताओ, ये डिसाइड कैसे होता है किसका ऑडिशन बेस्ट है? मेरे गुरुजी डिसाइड करेंगे। आज ऑडिशन से पहले पैर छू लिया गुरुजी का। परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा पैर छूने से? नहीं, पर अगर गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया तो गुरुजी की ईगो इन्वॉल्व हो जाएगी। और तुझे आशीर्वाद दिया पर फिर भी तू जीता नहीं, किसकी बेइज्जती है? तेरी? गुरुजी के आशीर्वाद की। ट्राई करियो आज। क्या मैसेज है यार? हैं? 5 लाख की, 500 के नोटों की, 10 गड्डी लोगे मामा हाथ में या बना के
सॉरी पढ़वाया मामा वो कहाँ है तू सेक्टर 4 वाले आते जा रहा हूँ आ जाओ आता हूँ विजिलेंट टर्टल है तो असेसमेंट के हिसाब से सही है तो ये अच्छा है या बुरा कोई इंसान इंट्रोवर्ट है कोई एक्सट्रोवर्ट अच्छा है या बुरा किसी को नंबर ज्यादा पसंद है किसी को पोइम्स और पेंटिंग्स अच्छा है या बुरा कुछ भी नहीं बस पर्सनैलिटी है उसकी जैसे ये तेरी पर्सनैलिटी है तेरी पर्सनैलिटी पैसों को लेके और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा या बुरा ना मान के उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करना ही समझदारी है देख जैसे एक इंट्रोवर्ट इंसान एक ऐसी जगह पे काम करके ज़्यादा खुश होता है जहाँ पर उसको पूरे दिन में कम से कम लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े वैसे ही एक विजिलेंट टर्टल एक ऐसे फाइनेंशियल प्लान में ज़्यादा खुश फील करेगा जो उसकी मनी पर्सनैलिटी के हिसाब से हो आ रहा है समझ तो मतलब मेरा फाइनेंशियल प्लान बनेगा मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से एग्जैक्टली लेकिन पहले ये भी पता होना चाहिए कि तू चाहता है कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जैसे कि तू चाहता है कि तू जॉब छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो जाए और तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सफर ना करें पर भाई चाहने को तो कुछ भी चाहो तो साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि अभी आपकी सिचुएशन क्या है और उसके लिए हम एक कॉल बुक करेंगे वन फाइनेंस की ऐप पर उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ तेरे लिए वो ये सब समझेगा तुझसे भाई तू भी तो वन फाइनेंस में काम करता है तू ही कर देना देख बुक करेंगे पता नहीं कौन आएगा और ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं तेरे पे तो ट्रस्ट है ना भाई भाई इतनी चिंता क्यों करता है तू तेरी कंपनी की तरह यहाँ पर कमीशन का लालच नहीं है क्योंकि हमारी कंपनी में कमीशन ही नहीं है और यहाँ पर सभी एडवाइज़र्स क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं क्या हो रहा है तैयारी चल रिहर्सल भाई मैं समझाता हूँ आराम से अभी जा और फोड़ दे ऑडिशन गो फॉर इट सब तैयार हैं शुरू करें समर्थ आप शुरू करें चलिए चलिए फिर भाई ऊपर आ जाओ अंकल आ गया भाई पीछे उधर है शांत आप तैयार हैं तो आइए आज ऑडिशन से पहले पैर छू लिया
परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा पैर छूने से। नहीं, पर अगर गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया तो गुरुजी की ईगो इन्वॉल्व हो जाएगी। भाई तूने पैसे वापस नहीं किए थे ना, तेरे मामा ने सुखा रखी थी मेरी, एक बार बात कर ले, चल आ जा। क्यों बसर कर रहा है भाई, आ जाना। आख थू डागर, थोड़ा प्यार से लेकर आए इसको। चल ठीक है, ये वाला पैक खत्म करके आ जा, है ठीक है डॉक्टर भाई। आ रहे आ रहे, बस पैक खत्म हो गया, ये आ रहे यार डॉक्टर नहीं डॉक्टर। राजी राजी चाल लगा गए, अंडा खींच के लेके जाऊं। सिगरेट तो पिला दे मामा। मेजर साहब, साला आया कहां से डर, और बैठ के अंदर जैसे इसके लाला जी का घर। क्यों मांगना ऑन ऑफ का बटन, मंत्र फूंक के पूरा डर ही ना कर दें बस हम। जवान बिल्कुल नकारा भी नहीं है डर, ना होता तो शेर देख भागता नहीं आदमी, खड़ा रहता वहीं पर और फिर शेर खा जाता उसको, पर भाग यहां से कहकर डर बचाता है उसको। डर नहीं लगता ना तेरे को मामा, ये कितनी भी उंगली कर लूं क्या ही करेगा, जान से तो नहीं मार देगा ना। जान से तो मार ही चुका है एक को पहले मामा, ठंडी हो गई है हटा ले। पांच लाख दे दे मेरे वापस, वरना तेरे बाप के पास जाऊंगा लेने, पांच लाख के साथ उसकी थोड़ी इज्जत भी लेकर आऊंगा, जितनी भी बची हुई है थोड़ी बहुत। न्यू गुड़गांव का इतना बड़ा डीलर, 5 लाख के ले आ गया, गाड़ी में दिहाड़ी के बाउंसर भर गए। आह धू सुंदर कीड़े, 5 लाख हो या 5 करोड़ या 5 रुपए, जिसने भी मेरे हिस्से के पैसे मारे ऐसी हालत करिए ना उनकी कि उनके बच्चे ना हो पा रहे। पहले भी 2-3 बार उंगली करी है और मैंने दया कर कर छोड़ दिया, पर अगली बार मोटरसाइकिल पर 2 लौंडे आएंगे, माथे का सेंटर छाप कर जाएंगे। चल डागर चले, पार्टी वार्टी करो, इतने शांत क्यों है सारे यहां। मामा आया तो एक चीज दिखानी थी।
मेजर साहब, जब इंसान जंगल में रहता था तब शेर का डर होना समझ में आता है, पर यही डर मुझे मेरे शहर के घर में क्यों डराता है? मालिक नौकरी ना ले ले, पिताजी को डर था, भाभी भाई को बहका के उनसे उनका बेटा ना ले ले, मेरी मां को डर था, हॉकी खेलने का शौक मार फौज में भर्ती ले ली, मोहल्ला मुझे निकम्मा निठल्ला ना कहे, मुझे मेरे आत्मसम्मान का डर था। इस सब में कहां किसी को जान का डर था? आज यहां बॉर्डर पर बैठकर जान का खतरा जब सर पर मंडरा रहा है, तो वो डर कितना बोगस था ये समझ में आ रहा है। और शायद ये समझ इंसान को एक बार और आता है, जब बुढ़ापे में बिस्तर पर लेटे लेटे उसका पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने से जाता है। और वो कहता है खुद से, उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। प्रशांत का परफॉर्मेंस भी है, शिशिर चड्ढा को मत भूल, वो पता नहीं क्या क्या करेगा प्रशांत के साथ। इस सब से तो मुझे लग रहा है कि सपने बनाम जमाना की शुरुआत तो अब है। बाय द वे, ये असेसमेंट टेस्ट बुक की तूने? नहीं यार, ये टेस्ट वेस्ट में बड़ा डर लगता है, फेल होगा तो? अरे यार, इसमें कोई पास या फेल नहीं होता। वन फाइनेंस असेसमेंट टेस्ट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल पर्सनालिटी सो दैट यू कैन प्लान योर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। मतलब हमारा मनी रिलेटेड एक पर्सनालिटी भी होता है जिसे हम एक टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। Exactly. So guys, book an assessment test for free so you can understand your money personality and plan your finances accordingly. और गाइस, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, साथ ही एपिसोड को और शो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बांटिए। Also do subscribe to The Viral Beaver. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.